नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने वाले परिस्थितियों कैसी भी हो पढ़ ही डालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे ही एक 76 साल के बुजुर्ग छात्र हैं, जिन्होंने पढ़ने की ठानी तो 11 सब्जेक्ट में MA कर डाला और वर्तमान में दिल्ली के इग्नू से ज्योतिष में MA कर रहे हैं। 76 साल के इन बुजुर्ग छात्र का नाम है राम लोटन पांडे, जिनका जन्म 1 जुलाई 1948 को रीवा जिले के सिरमौर के दुबगवा गांव में हुआ। इनकी उम्र जब 1.5 साल की थी, तभी पिता का साया इनके सिर से उठ गया। मां ने बड़े अभाव में इनको पाला। 25 रुपए की स्कॉलरशिप की वजह से 11वीं तक की पढ़ाई गांव में ही करने के बाद BSc करने के लिए रीवा के साइंस कॉलेज पहुंच गए। BSc करने के बाद MSc करना चाहते थे, इंजीनियर बनना, लेकिन आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे। साइंस कॉलेज से BSc करने के तुरंत बाद स्कूल में नौकरी लग गई। स्कूल में बच्चों को पढ़ने लगे। इसी दौरान जनगणना में बेहतर काम के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया। 30 जून 2010 में राम लोटन पांडे रिटायर हो गए और फिलहाल दिल्ली के इग्नू से ज्योतिष में MA कर रहे हैं। पढ़ाई में बचपन से ही रुझान था, इंजीनियर बनने की ख्वाहिश थी। इंजीनियर ना बन पाने के बावजूद अलग अलग सब्जेक्टों में आपने पढ़ाई कर डाली। PhD इसलिए नहीं कि उसमें ज्यादा वक्त लगता, इतने वक्त में 2 सब्जेक्ट में MA हो जाता। इन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, गांधी MP स्टडी, ग्राम विकास, भारतीय प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व से MA कर डाला। मैं 2010 में शिक्षक पद से मार्तंडहार सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर के बाद ही अनवरत में शिक्षक अध्ययन कर रहा हूँ। यही पढ़ने की लगन अभी वर्तमान समय में भी मौजूद है। जिसका चुनाव है कि परीक्षा हमारी जिस समय फिर से हमें आएंगे एडमिशन लिया, ये तो हमारी पसंद जानकारी है। आपको अवार्ड मिला है, किस बात को लेकर अवार्ड दिया? जनगण सेंसस ऑफ इंडिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको जनगणना में यहाँ से नाम भेजा गया होगा। परीक्षा द्वारा नहीं मिला, राष्ट्रपति द्वारा वेंकट रमन के जमाने में मिला था। उनके नाम से तो होता है, उनके दस्तखत तो होते हैं, उनके नाम से होता है। सुनने में आया है कि आप कई विषयों से अपने MA किए हैं। हाँ, कौन कौन से विषय? कितने कितने विषयों में? 11 विषय से MA है। ये सब युवा अवस्था में कर चुके हैं कि नहीं? हम पढ़ाई हुआ कि किराने से पढ़ाई बंद नहीं की। चुनाव को छोड़, चुनाव में तो ड्यूटी लग जाती थी, हमने पढ़ाई बंद सतत है। लास्ट डिग्री कर ली आपने? नहीं, पिछले साल। पिछले साल उद्देश्य रहा है कि हम 1 दर्जन डिग्री हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना है तो डिग्री क्यों नहीं ले ली? अरे PhD की इच्छा थी, हम जब तक PhD करेंगे तब तक 3 विषय हमारा PG हो जाएगा। इसलिए हम इतना कर डिग्री है, 12 डिग्रियाँ हैं, यानी 11 राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र। आज किस परिपेक्ष में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? परिपेक्ष तो पहला हमारा वही था, अपनी डिग्री को आउट करना, और आगे ये भी था कि अभाव में हम रह करके भी शिक्षा ग्रहण कर सकते, ये भी हमको समाज को बताना था। एक महसूस जिस स्थान से आया हूँ उसको हमको बताना था। अपने बारे में शुरू से बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।